में आइए अब तक की नजर डालते हैं अब तक की 5 बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा के रोहतक जिले की सुनारिया जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की तबियत बिगड़ने पर उसे पीजीआई रोहतक में भर्ती करवाया गया है। राम रहीम के पेट में दर्द की शिकायत के बाद पीजीआई में भर्ती करवाया गया। गुरुवार सुबह करीब 7 बजे राम रहीम को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से पीजीआई लाया गया। उसके पहले 12 मई को भी ब्लड प्रेशर की समस्या के कारण राम रहीम को इसी अस्पताल में लाया गया था। सूत्रों की माने तो राम रहीम इस बार कोविड जांच कराने के लिए तैयार हो गया है। पिछली बार उसने कोविड जांच कराने से मना कर दिया था। वहीं पीजीआई में राम रहीम का सीटी स्कैन किया गया, पेट और दिल की जांच की गई। फिलहाल उसका स्वास्थ्य सामान्य है और उसे वापस जेल भेज दिया गया है। पूर्व विधायक एवं जजपा नेता पूर्ण सिंह डाबड़ा का बुधवार को कोरोना से निधन हो गया। वह 75 वर्ष के थे। मेदांता अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था। उन्हें कोरोना संक्रमण के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव पूरन सिंह डाबड़ा 2000 से 2005 तक गिराए इलाके के विधायक रहे थे। उनके निधन पर उनके समर्थकों में शोक की लहर दौड़ पड़ी। दिल्ली सीएम दुष्यंत चौटाला ने पूरन सिंह छाबड़ा के निधन का दुख जताया है। बता दें कि 75 वर्षीय पूरन सिंह कोरोना का इलाज कराने के लिए मेदांता में भर्ती हुए थे, लेकिन शुगर लेवल हाई होने की वजह से उनकी हालत बिगड़ती चली गई, जिसके बाद उनकी कोरोना की वजह से मृत्यु हो गई। टोहाना में विधायक देवेंद्र बबली के आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे किसान को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाने के विरोध में किसान ने बुधवार शाम को हिसार दिल्ली रोड पर रामायण टोल प्लाजा को जाम कर दिया। जाम करने से हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। गौरतलब है कि मंगलवार को टोहाना में किसानों के विधायक देवेंद्र बबली का काले झंडे के साथ विरोध प्रदर्शन किया गया। उस दौरान किसानों के विधायक की शिकायत पर मामला दर्ज होने की बात सामने आई थी। वहीं किसानों ने कहा कि आज भाजपा गठबंधन सरकार किसानों के साथ नाइंसाफी करने पर तुली है, जिसके देश का किसान किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि मामला दर्ज तो विधायक पर होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने किसानों को भड़काने के साथ दुष्व्यवहार करने का काम किया है। किसान नेता मालिक ने कहा कि किसान 3 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर 6 महीने से आंदोलनरत है, मगर सरकार उनकी मांगों को मान नहीं रही है, मगर आए दिन किसानों पर मामला दर्ज कराने में लगी हुई है। दुबई से पदक जीतकर हिसार पहुंचे वह बॉक्सर स्वीटी बुरा का भव्य स्वागत किया गया। खिलाड़ियों क्षेत्रवासियों ने स्वीटी का हिसार पहुंचने पर खुशी से नाचते गाते हुए उनका स्वागत किया। सभी ने कहा कि स्वीटी ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर देश व प्रदेश का नाम खेल में सम्मान दिलाया है। सेक्टर 14 स्थित स्वीटी के आवास पर लोगों ने स्वीटी बुरा को बधाइयां दी। वहीं किसान महेंद्र सिंह की बेटी स्वीटी बुधवार को दुबई से हिसार पहुंची थी। शाम 6 बजे जब हिसार आने की सूचना मिली तो परिचित स्वीटी को बधाई देने के लिए उसके घर पहुंचने लगे। साइबर सिटी में लगातार बढ़ती महंगाई से जनता के बीच टाइमाम जैसी स्थिति बनी हुई है। डीजल पेट्रोल के बाद सरसों के तेल, रिफाइंड दाल, सब्जी जैसे रोजमर्रा के इस्तेमाल करने वाली चीजें भी अब महंगी होती गई है। आपको बता दें कि आम जनता की माने तो कांग्रेस के घोटालों से परेशान हो उन्हें मोदी जी को वोट दिया था, लेकिन अब मोदी सरकार भी कांग्रेस की राह पर चलने लगी है। कोरोना ने पहले ही आम जनता को परेशान किया हुआ है, ऐसे में महंगाई ने आग में घी ढालने जैसा काम किया है। वहीं सदर बाजार में खरीदारी करने पहुंची महिलाओं की माने तो उन्हें पहले वो सरसों तेल का, रिफाइन का 15 लीटर का टीन का डब्बा खरीदे करती थी, अब 2 किलो का डब्बा खरीदना पड़ रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि सरसों के तेल तो इंटरनेशनल मार्केट पर निर्भर नहीं है, ऐसे में सरसों तेल के दाम क्यों आसमान छू रहे हैं। 100 रुपए लीटर सरसों का तेल अब 190 से 200 रुपए लीटर तक पहुंच गया है, जबकि सरसों की फसल की आवक अभी मार्केट में आई ही है। रिफाइंड का रेट 1200 रुपए 1600 रुपए लीटर के टिन था, अब बढ़कर 2200 से 2300 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वही इसे देखने वाली बात यह है कि इस विकराल में होती महंगाई के पीछे हर रोज पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी या फिर जमाखोरी का काला कारोबार, यानी जो किसान कहने लगे है कि अगर मंडियां प्राइवेट हुई तो खामियाजा आम आदमी को ही भुगतना पड़ेगा, जैसा कारण तो नहीं है। हमारा हरियाणा में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़19।